स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू परफॉर्म रेने एंड वेबर टेस्ट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रेने टेस्ट के क्लाइंट के ऊपर रेने टेस्ट कैसे परफॉर्म करें। सबसे पहले क्लाइंट को ग्रीट करें और उन्हें एक्सप्लेन करें प्रोसीजर कि आप क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, हम आप पे एक प्रोसीजर करने जा रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि आपकी हियरिंग लॉस है या नहीं है। तो जब मैं आपके कान के पीछे ये इक्विपमेंट रखूँगा, तो इस इक्विपमेंट की आपको मुझे बताना है कि कब आपको आवाज़ आनी बंद हो रही है। फिर जब पीछे बंद हो जाएगी आवाज़ आनी, मैं इस इक्विपमेंट को आपके कान के सामने रखूँगा, तो आप मुझे लास्ट में ये बताएंगे कि आपको कान के पीछे की हड्डी में ज़्यादा आवाज़ आ रही है या कान के सामने ज़्यादा आवाज़ आ रही है। क्या आपको बात समझ में आई है? यस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्यूनिक फोक है 512 हर्ट्ज का जो कि यूज होता है रेने टेस्ट में। तो इसको स्ट्राइक किया किसी भी हार्ड सरफेस पे या बोनी सरफेस पे, आप इसको स्ट्राइक करेंगे और इसका जो स्टेम वाला पार्ट है, बेस वाला पार्ट है, इसको प्लेस करेंगे बिहाइंड द ईयर मैस्टॉइड पे। आप मुझे बताइए जब आवाज आनी बंद हो जाए। तो अभी आवाज आनी बंद हो गई और इसको हमने फ्लिप कर दिया। अब यहां सुनिए, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आवाज आनी बंद हो गई। अब आप मुझे बताइए कि जब मैंने आपके कान के पीछे की हड्डी में इसे रखा और एक बार मैंने आपके कान के बगल में इसे रखा, तो आपको कहाँ आवाज़ ज़्यादा सुनाई दी? जो आपने ईयर के आगे रखा वहाँ पर ज़्यादा आवाज़ की ज़्यादा इंटेंसिटी थी एज़ कम्पेयर टू अगर आप मैस्टॉइड पे जो आपने रखा था ईयर के पीछे। तो जैसे कि क्लाइंट मुझे बता रहा है कि जो बोन में कंडक्शन था वो कैसा है, कम है एयर कंडक्शन की तुलना में। जब मैंने हवा में रखा तो जिसमें ज़्यादा आवाज़ आई है, ना कि बोन में ज्यादा, जो कि नॉर्मल बात है। दिस इज फॉर रेने टेस्ट। एबनॉर्मल की बात हम आगे करेंगे। दूसरा टेस्ट है वेबर टेस्ट। इसमें भी सेम इक्विपमेंट यूज होगा जिसका नाम है ट्यूनिक फोक। इसमें हम क्या करेंगे कि इसको स्ट्राइक करके क्लाइंट की ग्लैबुलम रखेंगे। अब मैं आपको ये स्ट्राइक करके आपके फोरहेड पे से प्लेस करूंगा। आपके मुझे ये बताना है कि इसमें आपको जो साउंड है वो क्या आपको दोनों कानों में बराबर आ रही है या आपको बीच में फील हो रही है, एक तरफ ज्यादा या एक तरफ कम है। क्या आपको समझ में आया? तो देखिए, हमने इसको दोबारा स्ट्राइक किया और इसको प्लेस किया ग्लैबुलम। अब मुझे बताइए जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको बीच में फील हो रही है या किसी कान में कम या ज्यादा है? सेंटर में फील हो रही है। जैसे कि क्लाइंट हमें बता रहा है कि ना जो वाइब्रेशन है, जो साउंड है, वो सेंट्रलाइज्ड है, उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब वेबर टेस्ट नॉर्मल है। तो ये बातें हो गई है नॉर्मल टेस्ट की। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एबनॉर्मलिटी कैसे हम चेक कर सकते हैं। हाँ जी, तो अब मैं बात करता हूँ रेने टेस्ट और वेबर टेस्ट की एबनॉर्मेलिटीज के बारे में। जैसे कि हमने अभी रेने टेस्ट परफॉर्म किया तो उसमें हमने देखा कि रेने टेस्ट जो होता है, रेने टेस्ट में हो जो रिजल्ट आने चाहिए वो एयर कंडक्शन शुड बी मोर देन बोन कंडक्शन। जैसे कि हमने देखा कि क्लाइंट ने क्या बताया था कि जब एयर में हमने ट्यूनिक फोक रखा था तो उसमें उसको ज़्यादा साउंड सुनाई दी थी कंपेयर करें अगर मैस्टॉइड प्रोसेस या बोन पर रखने। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव रेने टेस्ट। रेने टेस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है, एयर कंडक्शन शुड बी मोर देन बोन कंडक्शन। लेकिन अगर वही क्लाइंट आपको बता रहा है कि बोन कंडक्शन ज्यादा है किससे, एयर कंडक्शन से, तो ये आपका रेने टेस्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये शो करता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। नेगेटिव का मतलब क्या है रेने टेस्ट का, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस को। पॉजिटिव का मतलब कि कोई भी हियरिंग लॉस नहीं है, एयर कंडक्शन ही बोन कंडक्शन से नॉर्मल है। अब इसको हम पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम रेने टेस्ट में फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, हम नॉर्मल को पॉजिटिव इसलिए बोल रहे हैं, हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं कि एयर कंडक्शन ज़्यादा होना चाहिए किससे, बोन कंडक्शन से, और वो ही हमें मिल गया है। तो जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो चीज़ हमें टेस्ट में मिली है, इसलिए टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। और जो चीज हम ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे, एयर कंडक्शन शुड बी मोर देन बोन कंडक्शन, लेकिन हमें ऐसा नहीं मिला, तो हम बोल देते हैं रेने टेस्ट कैसा है, नेगेटिव। जिसको हम बोल देते हैं कि नेगेटिव इसलिए क्योंकि बोन में कंडक्शन ज्यादा है, तो जो हियरिंग लॉस है वो कैसा है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। क्लियर होगी ये बात, आई थिंक ये बात है क्लियर आ रही है। वेबर टेस्ट में हमारे पास देखिए क्लाइंट के क्या क्या स्टेटमेंट हो सकते हैं।
स्टेटमेंट नंबर वन क्लाइंट ये बोल सकता है कि जब आपने ट्यूनिक फोक को उसके ग्लैबुला पे रखा या मिड लाइन वर्टेक्स में रखा तो उसको क्या फील हुआ, सेंट्रलाइजेशन। क्या फील हुआ, सेंट्रल मतलब सेंटर में उसको वाइब्रेशन फील हुई है, या इक्वली लेटरलाइजेशन दोनों तरफ बराबर। तो अगर कहीं भी कम या ज्यादा नहीं, जैसे कि हमारे क्लाइंट ने बताया था, इसका मतलब ये नॉर्मल फाइंडिंग है, मेबर टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, देयर इज नो हियरिंग लॉस सच एज। दूसरा स्टेटमेंट पेशेंट क्या बोल सकता है कि देयर इज लेटरलाइजेशन, क्या हो रहा है उसे, लेटरलाइजेशन है मतलब एक कान में आवाज ज्यादा है और एक कान में आवाज कम है। तो इस केस में वेबर टेस्ट नेगेटिव आया। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, पेशेंट के दो कान, एक अफेक्टेड ईयर है और एक अनअफेक्टेड ईयर है, मतलब एक खराब कान है उसका जिसमें की प्रॉब्लम है और एक कान है जिसमें की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो कि इस लेटरलाइजेशन में पेशेंट के दो स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पेशेंट बता रहा है कि उसके अफेक्टेड ईयर में उसे ज्यादा आवाज सुनाई दे रही है, मतलब जो कान उसका खराब है वहां आवाज क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है एक तरफ, क्योंकि लेटरलाइजेशन तो है। अब लेटरलाइजेशन में भी वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे अफेक्टेड ईयर की तरफ, जो खराब कान है उसकी तरफ उसे आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब जब कान खराब है फिर भी आवाज ज्यादा आ रही है तो जो हियरिंग लॉस होगा वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, जो कि बोन डिफॉर्मिटी की वजह से हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, या कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जब वो क्या बोल रहा है, अफेक्टेड कान में आवाज ज्यादा आ रही है। और दूसरा ये क्लियर है, और एक स्टेटमेंट क्या दे सकता है कि मेरे अफेक्टेड कान में आवाज नहीं आ रही या आवाज कम आ रही है। तो जब कान खराब है तो वहां आवाज कम ही आनी चाहिए ना, क्योंकि उसकी नर्व, इसका मतलब जब अफेक्टेड कान में आवाज क्या आ रही है, ये तो ज्यादा में है, तो अगर आवाज ज्यादा है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, और अफेक्टेड ईयर में अगर क्या आवाज कम आ रही है, अगर आवाज कम आ रही है तो जो हियरिंग लॉस है वो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, क्योंकि अफेक्टेड मतलब खराब कान है और उसमें आवाज भी कम आ रही है। तो आवाज कम क्यों आ रही है, क्योंकि उसकी नर्व जो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, एट्थ क्रेनियल नर्व है, उसमें कोई डिफेक्ट है, डिफॉर्मिटी है, तो इसलिए हियरिंग लॉस कैसा हो गया, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो वेबर टेस्ट से हम पता ये लगाते हैं कि ये जो हियरिंग लॉस है ये सेंसोरी न्यूरल है या कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि इसमें आपको दो कौन सी चीजें देखने के लिए मिल रही है। तो लेटरलाइजेशन होगा, अगर लेटरलाइजेशन नहीं है, सेंट्रलाइजेशन है, तो तब तो नॉर्मल है, लेकिन अगर लेटरलाइजेशन जो है इसमें दो कंडीशन आ सकती है कि जो अफेक्टेड ईयर है उसमें आवाज अगर ज्यादा आ रही है, खराब कान में बता रहा है कि ज्यादा आवाज है, तो जो हियरिंग लॉस है वो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। लेकिन अगर इस खराब कान में आवाज क्या आ रही है, कम, ये दो ही तो चीजें हो सकती है। तो इस सिनेरियो में हम जो हियरिंग लॉस बोलेंगे वो कैसा होगा, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, क्योंकि खराब क्या हो चुकी है, नर्व खराब हो चुकी है। इसमें नर्व ठीक है, बस बोन कंडक्शन में दिक्कत है, वो कंडक्शन में दिक्कत किसी भी कारण से होती है, एयर वैक्स जम गया है, ओटाइटिस मीडिया, कोई इन्फेक्शन है, 10 कारण हो सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को रेने और वेबर टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है और उसका इंटरप्रिटेट कैसे करना है उसे, ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आए, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।